बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर और अनगिनत सुपरहिट फिल्मों को निर्देशित कर चुके विख्यात निर्देशक डेविड धवन नूतन वर्ष गंगा के सानिध्य को मनाने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती में सहभाग किया। महानगरी मुंबई के नूतन वर्ष के ग्लैमर की चकाचौंध से हजारों किलोमीटर दूर हिंदी फिल्मों के सदाबहार सितारे अनिल कपूर और एक्शन कॉमेडी और रोमांस के तड़के के साथ हिट फिल्मों की गारंटी माने जाने वाले जाने माने निर्देशक डेविड धवन आज शाम परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष चिंतानंद मुनि जी महाराज से मुलाकात की। टिहरी जनपद के होटल आनंदा में उत्तराखंड की शांत और खूबसूरत वादियों में नया वर्ष सेलिब्रेट करने पहुंचे दो फिल्मी हस्तियों ने देर शाम परमार्थ निकेतन का रुख किया। उन्होंने करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक माने जाने वाली गंगा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर मुनि जी महाराज से करीब आधे घंटे तक परमार्थ निकेतन में गंभीर मंत्रणा भी की। परमार्थ परम अध्यक्ष ने भारतीय फिल्म जगत की दोनों हस्तियों को गंगा के उत्थान के लिए कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। परमार्थ के साहित्य के साथ फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और निर्देशक डेविड धवन को मुनि जी महाराज ने शिवत्व का प्रतीक माने जाने वाला रुद्राक्ष का पौधा भी भेंट किया। इससे पूर्व परमार्थ पहुंची दोनों फिल्मी हस्तियों का ऋषि कुमारों ने स्वास्थ्य वाचन के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत और अभिनंदन किया। बाद में फिल्मी अभिनेता अनिल कपूर और निर्देशक डेविड धवन ने विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी सहभाग किया। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों का हजूम परमार्थ घाट पर उमड़ पड़ा। बॉलीवुड की दोनों ही नामचीन हस्तियों ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और हाथ हिलाकर अभिवादन के साथ विदा लेने से पूर्व कुछ प्रशंसकों संग फोटो भी खिंचवाई। क्राइम स्टोरी के लिए ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट।